आदमी पार्टी के आगू रजिंदर संधु फिलौर की अगवाई में नूरमहल रोड रेलवे फाटक जो काफ़ी लंबे समा बंद रहने कारण लोग परेशान होते हैं। उस संबंधी जानकारी देते हुए रजिंदर संधु ने दसिया कि लोग परेशान होते वेख 6 अगस्त को 11 to 1 बजे तक संकेत धरना दिता जाएगा। इस मौके उन्होंने रेलवे विभाग से सरकार को मांग की कि अंडरपाथ बनाया जाए, फाटक बंद होने कारण लोगों को परेशानियां आदियां हैं। तो हल्का फिलौर के वासियों को अपील की कि वध तो वध पहुँचो तो धरने को सफल बनाओ। इस मौके गुरिंदर सिंह सिद्धू, सुखविंदर सिंह गोगी, बलबीर बिल्ला, आकाश संधु, नीरज कुमार, संदीप सिंह से वॉलंटियर भारी गिनती में हाजिर सन। शान न्यूज़ तो कैमरामैन डिंपल के नाल अजय सिंह नागी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी आगू फिलौर असी 6 तरीक न एक संकेतक धरने की कॉल दी हुई है। फिलौर के जो नूरमहल रोड के उत्ते फाटक पैंदा है उसनू बंद कराने लई जां उसके थले की अंडरपाथ बनाने के लिए असी एक कॉल दी गई है। उसके संबंध में असी एक धरना दे रहे हैं, असी 2 घंटे का धरना दे रहे हैं। फिलौर के जो फिलौर में 2 पार्ट के नूरमहल रोड वाला फाटक करता है उस फिलौर में एक पासे करन दे लई अते आम जनता नू आ रही बहुत मुश्किलों हल कराने के लिए असी एक धरना संकेतक धरना दिता जा रहा है। थोड़ी की मंग है? साड़ी तो मंग मेन यही है कि इतने अंडरपास बनाया जाए ता जो जी गरीब जनता आ जिन्होंने लोगों ने एमरजेंसी जे कि फिलौर नूरमहल रोड तो जलंधर में जाना हो उन्होंने काफ़ी मुश्किल का सामना करना पैंदा है, बड़ी दूरी तय करके आना पैंदा है जिदे नाल कि एमरजेंसी हालातों के कोई भी मिसहैपन बरत सकता है। 24 घंटे काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है, सरकार को ध्यान देना चाहिए।